हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हमको पढ़ना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हार्ट जो है वो एक्सटर्नली कैसे दिखता है। अगर हम उसको सिर्फ बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो सिर्फ बाहर से जब हम हार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, किस तरीके का हार्ट का अरेंजमेंट दिखाई देता है, उसी को स्टडी करना है इस टॉपिक में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट, जब हम बाहर से देखते हैं तो हार्ट हमें फोर चेंबर दिखाई देता है बाहर से। हालांकि उसके अंदर चार चेंबर है लेकिन बाहर से भी हमें कंप्लीटली पता चलता है कि वो फोर चेंबर का है। कैसे? तो हार्ट में क्लियरली दो अपर सुपीरियर आर्ट्रियम्स दिखाई देते हैं। तो हार्ट हैज टू सुपीरियर रिसीविंग चेंबर, जिनको आर्ट्रिया बोला जाता है या ऑरिकल्स बोला जाता है। तो दो सुपीरियर चेंबर क्लियरली दिखाई देते हैं जो कि ब्लड को रिसीव करते हैं। इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना, ठीक है, और इनको आर्ट्रिया या ऑरिकल्स बोला जाता है। फिर दो इंफीरियर चेंबर दिखाई देते हैं, इंफीरियर यानी लोअर चेंबर, जो कि होते हैं वेंट्रिकल्स, और ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो टू इंफीरियर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। तो दो लोअर चेंबर जो होते हैं, इंफीरियर चेंबर जो होते हैं, वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं और इनको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम हार्ट को अगर देखते हैं तो कैसे ये चारों चेंबर एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं बाहर से जब हम देखेंगे तो बाहर से क्या होता है, इनके बीच में हमें कुछ ऐसे डिप्रेशंस दिखाई देते हैं जो कि इनको सेपरेट करते हैं। तो कुछ ट्रांसवर्स सल्कस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय ट्रांसवर ग्रूव्स कॉल्ड एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस और कोरोनरी ग्रूव, ठीक है। तो ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं बाय ट्रांसवर्स ग्रूव। ग्रूव का मतलब या सल्कस का मतलब होता है डिप्रेशन। तो आर्ट्रियम से भी ऐसा अंदर की तरफ एक डिप्रेशन जाता है, वेंट्रिकल्स की तरफ से भी ऐसा एक डिप्रेशन आता है। तो दोनों ऐसा एक डिप्रेशन शो करते हैं अंदर की तरफ, इनको बोलते हैं सल्कस या ग्रूव। आर्ट्रियम्स के बीच में और वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो ग्रूव्स है, दैट ग्रूव इज कॉल्ड एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या कोरोनरी ग्रूव, ठीक है। सो दैट ग्रूव इज कॉल्ड एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जिसके वजह से आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक दूसरे से सेपरेट दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट होती है बाय टू ग्रूव्स। तो जो दो वेंट्रिकल है वो भी एक दूसरे से सेपरेट होते हुए हमें क्लियरली दिखाई दे रही है बाय टू ग्रूव्स, एक एंटेरियर यानी आगे के साइड से और एक पोस्टेरियर यानी पीछे के साइड से। तो दो वेंट्रिकल के बीच में भी देखो, राइट वेंट्रिकल के बीच में ऐसा एक डिप्रेशन आ रहा है अंदर की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल के भी साथ में ऐसा एक डिप्रेशन आ रहा है अंदर की तरफ। तो दोनों ऐसे अंदर की तरफ डिप्रेशन शो कर रही है जिसके कारण हमें राइट वाली अलग दिखाई दे रही है और लेफ्ट वाली अलग दिखाई दे रही है। ये एंटेरियरली एक ग्रूव प्रेजेंट है और पोस्टेरियरली भी एक ग्रूव प्रेजेंट है पीछे से। तो ऐसे दो ग्रूव्स है जिनके मदद से हम एंड वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट कर पा रहे हैं। तो टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय टू ग्रूव्स, द एंटेरियर एंड पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। तो दो वेंट्रिकल्स को भी यहां पे एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है बाय द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, जो कि हमने यहां पे दिया है लेबलिंग डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स रन्स थ्रू दिस सल्काय या ग्रूव्स। तो कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन्स क्या होते हैं, ध्यान दो। हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, बट हार्ट खुद भी तो मसल से बना है, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट खुद को भी तो ब्लड सप्लाई करेगा। तो हार्ट क्या करता है, खुद को ब्लड सप्लाई करता है कौन से आर्टरीज और वेन्स की मदद से, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स की मदद से, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स आर दोज वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल एंड कोरोनरी वेन्स कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज कोरोनरी वेन्स, ये जो कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी वेन्स है ये कहाँ पे रन कर रही है, इन ग्रूव्स में रन कर रही है। ये जो डिप्रेशन हमको दिख रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस इनमें और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस इनमें, इन डिप्रेशंस में हम देख रहे हैं कि रन कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमने एक हार्ट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो देख लिया। हार्ट चार चेंबर का दिख रहा है, दो सुपीरियर आर्ट्रियम, दो इन्फीरियर वेंट्रिकल्स, ठीक है, और इनके बीच में कुछ डिप्रेशंस है, कुछ सल्कस है जो कि इनको सेपरेट कर रहा है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब इन हार्ट से कुछ पाइपलाइंस हमें निकलते हुए दिखती है, इन पाइपलाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या ये कौन से वेसल्स है
ठीक है, ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलते हैं, तो कौन कौन से वेसल्स है और कहाँ कहाँ से ये निकल रहे हैं, तो बाहर से ये भी दिखेगा हमको, ठीक है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी ट्रंक अराइज होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। तो हम जब हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी है उसी डायरेक्शन में हार्ट का डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। तो ये साइड मेरा अगर राइट है तो ये साइड भी यहाँ पे देखो राइट है, ये वाला साइड लेफ्ट है तो ये साइड लेफ्ट है। बट जब हम डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा राइट हो गया, बट डायग्राम में देखो यहाँ हमने लेफ्ट लिखा है, और ये हमारा लेफ्ट हो गया बट यहाँ पे हमने राइट लिखा है, ठीक है। बट हमने डायग्राम इस फेस से बनाई है, हमारा डायग्राम का फेस ये है, तो हमारा फेस अगर ऐसा होता है तो डायग्राम का और हमारा ये जो हार्ट का फेस है ये मैच करता है। सो दिस वन इज राइट, तो डेफिनेटली ये भी राइट है, और दिस वन इज लेफ्ट, तो ये भी लेफ्ट है। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर फेस डायग्राम का हमारे फेस के साथ मैच करते हैं तो यहाँ पे राइट कौन सा होने वाला है, लेफ्ट कौन सा होने वाला है। सिंपली मैं फंडा बता देता हूँ, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमारा राइट होगा वहां पे लेफ्ट आएगा डायग्राम का, और जो हमारा लेफ्ट होगा वहां पे डायग्राम का राइट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम के बारे में बेसिक, ठीक है। तो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो राइट वेंट्रिकल है यहां से अराइज होता है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ये वर्ड जब भी आता है इट ऑलवेज रिलेट्स विथ लंग्स। तो ये पल्मोनरी ट्रंक क्या करेगा, ये ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में, और लंग्स में कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जो कि पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जाएगा, और ये ट्रंक आगे जाके बाइफरकेट होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टेमिक अयोटा अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक अराइज हुआ, वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से हम देखते हैं सिस्टेमिक अयोटा अराइज होता है। ये रेड कलर का अयोटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, इसलिए इसको हमने रेड कलर से बनाया है। पल्मोनरी ट्रंक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, इसलिए इसको हमने ब्लू कलर से बनाया है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं पल्मोनरी सिस्टेमिक अयोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो सिस्टेमिक अयोटा तीन रीजन्स में डिवाइड होता है। पहला जो है अपर रीजन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज असेंडिंग अयोटा। फिर एक इसमें आर्क दिखाई दे रही है हमको, इस आर्क को बोला जाता है सिस्टेमिक आर्क। और फिर एक डिसेंडिंग ट्यूब दिखाई देती है जो कि अगेन ये नीचे की तरफ डाउनवर्डली ग्रो हो रहा है, तो दैट इज डिसेंडिंग अयोटा। तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है दैट इज असेंडिंग अयोटा विच इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन डिसेंडिंग अयोटा, एंड द आर्क विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक आर्क। दिस सिस्टेमिक आर्क अगेन कंटेन्स थ्री आर्टरीज। वन इज लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, हमारे नेक को, फेस को और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, नेक, फेस एंड ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी ये हमारे हेड को, नेक को और राइट आर्म को ब्लड सप्लाई करती है, राइट आर्म को सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है सिर्फ लेफ्ट आर्म को ही ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये इनका काम होता है और ये जो है वो सिस्टेमिक अयोटा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों ही सिस्टेमिक अयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे पल्मोनरी अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक अयोटा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय लिगामेंटम आर्टेरियोसम, एक कनेक्शन है। ये कनेक्शन होता क्या है, ये एक बचा कुचा स्ट्रक्चर होता है डक्टस आर्टेरियोसस का, इट इज द रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इन फीटस। तो फीटस में जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है उसी का बचा कुचा ये स्ट्रक्चर होता है। अब डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, देखो फीटस जो है वो उस कंडीशन को बोला जाता है जब चाइल्ड वॉम्ब में होता है, फीमेल बॉडी में, यूटेरस में होता है, अभी भी वुमन प्रेग्नेंट है, फीमेल बॉडी के यूटेरस में, वॉम्ब में अभी भी फीटस ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं फीटस। अब फीटस जब वॉम्ब में ग्रो हो रहा है तो वो लंग से रेस्पिरेट तो करेगा नहीं, लंग से वो सांस लेगा क्या, नहीं, उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी मदर की प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलेगा और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। तो वो प्लासेंटा से ऑक्सीजन लेता है, मतलब उसके लंग्स में ब्लड जाएगा तो कोई काम करेगा क्या, नहीं। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फीटस में भी हार्ट होता है, अब हार्ट से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में अगर जाएगा तो ऑक्सीजनेशन तो होगा नहीं। तो ये ब्लड किस में जाता है, ये जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, वहां पे होता है डक्टस आर्टेरियोसस,
एक ट्यूब लाइक ओपनिंग उसमें जाता है और वो डक्टस आर्ट्रियोजस से ये पूरा ओपन होता है सिस्टेमिक आयोटा में, और ये सिस्टेमिक आयोटा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में फॉलोअप करती है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक नहीं जाता फीटस में, ठीक है। और उसका कारण क्या होता है, डक्टस आर्ट्रियोजस। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डक्टस आर्ट्रियोजस में चले जाता है, उससे सिस्टेमिक आयोटा में चले जाता है और लंग्स तक नहीं जाता। ये फीटस में जरूरी भी है। अब फीटस से जब बच्चा डिलीवर होता है, जब वो लंग्स से रेस्पिरेट करता है, तो ये डक्टस आर्ट्रियोजस श्रिंक हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, और फिर इसका जो ओपनिंग होता है वो भी बंद हो जाता है। अब क्योंकि ओपनिंग बंद हो गया है तो जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है उस बचे कुचे स्ट्रक्चर को लिगामेंटम आर्ट्रियोजम बोलते हैं, जो कि एक कनेक्शन होता है, सिर्फ दोनों को जोड़ के रखता है, कनेक्शन होता है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक आयोटा। तो सिस्टेमिक आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक का ये छोटा सा एक कनेक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यही पे, राइट आर्ट्रियम रिसीव्स द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम डॉर्सल साइड। तो ये जो राइट आर्ट्रियम है ये ब्लड को रिसीव करती है किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू फ्रॉम अपर बॉडी एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू फ्रॉम लोअर बॉडी। तो सुपीरियर वेना कावा पीछे से जाके ओपन हो रही है राइट आर्ट्रियम में, और इन्फीरियर वेना कावा भी पीछे से जाके ओपन हो रही है राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो दोनों ही पीछे से ओपन होते हैं, यानी डॉर्सली, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब समझो, राइट आर्ट्रियम रिसीव्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो राइट आर्ट्रियम दोनों को रिसीव करता है, सुपीरियर वेना कावा को ऊपर से, इन्फीरियर वेना कावा को नीचे से, और ये जो ओपन होते हैं ये कहाँ से ओपन होते हैं, डॉर्सल साइड, पीछे से। आगे से हुए होते तो हमने यही से दिखा दिया होता, बट पीछे से हो रहे, ये अगला साइड है, एंटीरियर साइड। नेक्स्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स द टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स अलोंग द डॉर्सल साइड। तो लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स, लंग्स से, ठीक है। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से आता है, तो दो पेयर्स होते हैं पल्मोनरी वेन्स के, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ठीक है, दो जोड़ी यानी चार। तो ऐसे चार पल्मोनरी वेन्स यानी टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, ये दोनों पीछे से यानी डॉर्सली, अगेन पीछे से ये ओपन होंगे लेफ्ट आर्ट्रियम में, और पीछे से ये भी ओपन होंगे लेफ्ट आर्ट्रियम में। सो टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स अगेन ओपन्स फ्रॉम द डॉर्सल साइड इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम। तो यहाँ पे हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हार्ट चार चेंबर का है, बाहर से दिखाई देता है, दो आर्ट्रियम सुपीरियर चेंबर होते हैं जो कि ब्लड को रिसीव करते हैं, दो वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर होते हैं जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल इन्फीरियर नीचे होते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय द ट्रांसवर्स ग्रूव सल्कस, जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस या कोरोनरी ग्रूव, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला टू वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट होती है, राइट एंड लेफ्ट, और ये एक दूसरे से सेपरेट हुई है बाय इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स दोनों ही इन सल्कस से यानी इन डिप्रेशन से ग्रो करती है, रन करती है, ठीक है। और ये वो आर्टरी वेन होती है जो कि ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट, पल्मोनरी ट्रंक हमको बाहर निकलते हुए दिखता है राइट वेंट्रिकल से, जो कि आगे जाके बाइफर्केट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें सिस्टेमिक आयोटा निकलते हुए दिखती है जो कि तीन रीजन्स में डिवाइड है, असेंडिंग रीजन, डिसेंडिंग रीजन एंड द सिस्टेमिक आर्क। सिस्टेमिक आर्क में तीन यहाँ पे आर्टरीज हमको दिखती है, दैट इज लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। इसके फंक्शन हमने बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हमें और एक ट्यूब कौन सी दिखती है, यहाँ पे एक कनेक्शन दिखता है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्शन दिखता है, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक आयोटा के बीच में, जिस कनेक्शन को हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोजम, जो कि और कुछ नहीं है, एक बचा कुचा स्ट्रक्चर है, रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्ट्रियोजस, जो फीटस में पाया जाता था पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि राइट आर्ट्रियम में हमें सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जाते हुए दिखते हैं डॉर्सल साइड से पीछे से, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं राइट आर्ट्रियम में, और फिर हमें लेफ्ट आर्ट्रियम में दो पेयर यानी चार पल्मोनरी वेन्स जाते हुए दिखते हैं जो कि पीछे से ओपन होते अगेन डॉर्सल साइड से। और यहाँ पे हमारा ये जो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर सकते हो, पेपर में ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।